हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे लिमिट्स कंप्यूट करने जा रहे हैं जिनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में बार बार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन की लिमिट जीरो पे निकालना है। अब ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर एक्स है। एक्स जीरो तब होगा जब एक्स जीरो होगा और उसके अलावा ये कहीं जीरो नहीं होगा। इसलिए ये जो फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स है वो जीरो के अलावा हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि साइन एक्स तो हर जगह डिफाइंड होता ही है। तो ये जो फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स है ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन जीरो के नेबरहुड में हर जगह डिफाइंड है। इसलिए इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे। अब साइन एक्स का जो डेफिनेशन होता है आपको पता है, एक यूनिट सर्कल हम ड्रा करते हैं। दिस इज ए यूनिट सर्कल और ये पॉइंट ए है, और मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट चल के यहां पे आ गया, पी पे आ गया, और ये एक्स है। तो OP पहले OA पे था, अब OA से ये OP पे आ गया, ये तो ये एंगल X होगा क्योंकि इसका रेडियस 1 है। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में एंगल होता है। तो आर्क X है, रेडियस 1 है, इसलिए ये जो एंगल X होगा वो आर्क X के इक्वल होगा। ये क्या होगा, पीएम क्या होगा, अगर ये एम है पीएम, पीएम जो होगा वो साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू पीएम अपॉन ओपी, और ओपी यहां पे कितना है, वन है, इसलिए पीएम साइन एक्स बन गया। तो यहां पे हमको ये साइन एक्स दिख गया और ये हमारा एक्स है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, हमें ये देखना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स कहां पे जा रहा है, वही लिमिट होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं और नीचे तक, तो इसको हम पी डैश बोल दे रहे हैं। तो ये हमें मिल गया, इसका लेंथ है साइन एक्स और इसका भी लेंथ होगा साइन एक्स, तो ये जो टोटल लेंथ होगा पी पी डैश वो हो जाएगा टू साइन एक्स, और आर्क पी ए पी डैश या आर्क पी पी डैश कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा। और हमें पता है कि P से अगर हमको P डैश तक जाना है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो लाइन होगा, और P से P डैश ये जो कार्ड है वो एक लाइन है, तो इसलिए P से P डैश तक जाने के लिए ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। जबकि P से P डैश पे अगर आप आर्क के लंग जाएंगे, इसके लंग जाएंगे, सर्कल के लंग जाएंगे, तो पी ए पी डैश जो आर्क होगा वो कार्ड पी पी डैश से ज्यादा होगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट जो हम कंप्यूट करना चाहते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू साइन एक्स अपॉन टू एक्स, और टू साइन एक्स किसके इक्वल है, टू साइन एक्स इक्वल है कार्ड पीपी डैश के, और टू एक्स किसके इक्वल है, आर्क पीपी डैश। और अगर इसी को हम यहां से सेपरेट कर ले, इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, ये ओ है, ये पी है, ये पी डैश है, और ये हमारा कार्ड है, ये पॉइंट ए है। तो जैसे जिस ये एंगल टोटल हमारा 2x है, क्योंकि ये x है, ये x है, तो ये टोटल एंगल 2x है। तो जैसे जैसे अगर x जीरो पे जाएगा तो 2x भी जीरो पे जाएगा, और ये जीरो पे जाएगा, और ये भी जीरो पे जाएगा, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ एक दूसरे के इक्वल होते चले जाएंगे, यानी इस कार्ड और आर्क का जो गैप होगा वो डिक्रीज करेगा। देखिए कुछ ये जो है बीक जैसा दिख रहा है, जो बर्ड का बीक होता है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जैसे जैसे ये एंगल घटेगा, जैसे जैसे ये कम होगा एंगल,
ये कार्ड और आर्क एक दूसरे के इक्वल होते चले जाएंगे, तो इसलिए ये लिमिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने साइन एक्स अपन एक्स का लिमिट 0 पे कंप्यूट कर लिया। अब कुछ चीज़ें इसमें और ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमने एक्स को पॉजिटिव लिया था क्योंकि ये जो लेंथ है हमारा ये ए पी वो एक पॉजिटिव लेंथ है, राइट। ये एंगल एक्स भी हमने पॉजिटिव लिया था और एक्स को हम 0 पे लेके जा रहे थे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये 0 है, हम 0 पे जा रहे थे, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। क्या होगा अगर एक्स 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, तो देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, एफ एक्स जो फंक्शन है हमारा वो है साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बताता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो जाए फॉर ऑल एक्स, जो भी डोमेन है फंक्शन का उस डोमेन में अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए हर एक्स के लिए, ये अगर ट्रू हो जाता है तो इस फंक्शन एफ को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसलिए ये जो फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स है वो इवन फंक्शन है। जो इवन फंक्शंस होते हैं इन जनरल, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और इसीलिए जो इवन फंक्शंस होते हैं उनका लिमिट अगर आपको 0 पे निकालना है तो सिर्फ आप उसका 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए या 0 पे सिर्फ उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, क्योंकि इवन फंक्शन का 0 पे जो राइट हैंड लिमिट होगा वही लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक्स को 0 पे हम लेके जा रहे थे फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और हमने प्रूफ कर दिया कि ये 1 के इक्वल हो रहा है। तो इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर दिया कि साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट एट 0 इज 1, मीन्स अगर आप पॉजिटिव साइड से जाएं या 0 पे आप पॉजिटिव साइड से जाएं या नेगेटिव साइड से जाएं ये 1 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ द लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब एक्स 0 पे जाएगा तो cos x 1 पे जाएगा, 1 माइनस 1 0 और ये भी 0 पे जाएगा, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है। इसको हम बोलते हैं 0 अपॉन 0 इन डिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम 0 अपॉन 0 फॉर्म में है तो उसका आंसर जो है कुछ भी आ सकता है, इसीलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x इज टर्निंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से, और इस मेथड को हम बोलेंगे क्रिएशन मेथड। कहीं कहीं हम कैंसिल करते हैं तो उस मेथड को हम बोल सकते हैं कैंसिलेशन मेथड। तो इससे बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। और ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमें पता है वी नो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1 एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की लिमिट कितनी होगी, अगर एक्स 0 पे जाएगा तो ये कॉस एक्स कहां पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2।
तो by algebra of limits, इन तीनों का अलग अलग लिमिट हमें पता है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 बाई 2 है, इसलिए प्रोडक्ट का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, उनके अलग अलग लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 × 1 × 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos x इंटू cos 2x अपन x स्क्वायर, जब x 0 पे जाएगा तो ये भी 0/0 फॉर्म में है। पिछला प्रॉब्लम भी 0/0 फॉर्म में था, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos x, cos 2x को हम लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये बन जाएगा x स्क्वायर 1 माइनस 2 cos क्यूब x प्लस cos x, और ये हो जाएगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये हमने लिख लिया। तो लिमिट x इज टर्निंग टू 0 x स्क्वायर, एंड इसको फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि देखिए अगर x 0 पे जा रहा है तो cos x 1 पे जा रहा है, और cos x अगर 1 है तो 1 माइनस 2 प्लस 1 0 बन जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 माइनस cos x एक फैक्टर होगा, 1 माइनस cos x इसका फैक्टर हो गया, और बाकी को आप बैलेंस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 1 माइनस cos x अपन x स्क्वायर, वी नो लिमिट x इज टर्निंग टू 0, 1 माइनस cos x अपन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एंड लिमिट x इज टर्निंग टू 0, 1 प्लस 2 cos x, 1 प्लस 2 cos x, अगर x 0 पे जाएगा तो इसका लिमिट क्या होगा, x इज टेंडिंग टू 0, सो दिस इज 1 cos x cos 0 1, सो 1 प्लस 2 3, तो ये प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 cos x, और ये इसको पूरे को एफ एक्स ले लीजिए और इसको जी एक्स, सो एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका लिमिट है 1/2 और इसका लिमिट है 3, सो बाई एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वी विल गेट 1/2 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। अब जो इस तरह के प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने के कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम cos x का एक्सपेंशन कर सकते हैं, cos 2x का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं और प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना जरूरी है। चलिए हम एक और स्टैंडर्ड लिमिट समझते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये जो लिमिट होता है वो 1 के इक्वल होता है, x जब 0 पे जाएगा तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये 0/0 फॉर्म में है, तो इस लिमिट को कैसे कंप्यूट करते हैं, इस लिमिट को कंप्यूट करने का जो एक तरीका होता है वो होता है एक्सपेंशन मेथड, e टू द पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x। तो अगर हम लिमिट x इज टर्निंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x इज टर्निंग टू 0, और यहाँ पे अगर हम e टू द पावर x की जगह पे हम ये लिख लें 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन x, और ये बन जाएगा लिमिट x इज टर्निंग टू 0, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन x, x इज टेंडिंग टू 0,
बट x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस हायर पावर्स ऑफ x, हायर पावर ऑफ x। तो x जब जीरो पे जाएगा तो ये जीरो पे जाएगा, आगे वाले टर्म्स भी जीरो पे जाएंगे, तो इसलिए हमारा लिमिट हो जाएगा 1। तो ये जो लिमिट है हमारा e to the power x minus 1 upon x is equal to 1 at 0, इसका यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसी का एक और वर्जन है, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये लिमिट होता है लिमिट लिमिट a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 log a बेस e होता है। यहां पे a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये लिमिट कैसे कंप्यूट करेंगे, ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे e टू द पावर x का ये एक्सपेंशन था, हम किसी भी नंबर को जैसे 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर log 5 बेस e। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि e टू द पावर log 5 बेस e 5 के इक्वल ही होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम a टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर log बेस e, और ये a टू द पावर x है, यहां पे 5 था तो यहां पे आ जाएगा a टू द पावर x, और ये बन जाएगा e टू द पावर log a टू द पावर x, x log a बेस e हो जाएगा। और अगर e टू द पावर x का एक्सपेंशन अगर ये है तो a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x log a, यहां पे हम x की जगह पे x log a रख लेंगे और एक्सपेंशन यूज कर लेंगे, तो हमको ये जो लिमिट है हम प्रूफ कर देंगे कि ये लिमिट log a बेस e के इक्वल है। एक और स्टैंडर्ड लिमिट लेते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो log बेस e 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 के इक्वल क्यों होता है, देखिए अगर x 0 पे जाएगा तो x 0 log 1 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। अब इसकी लिमिट 1 इसलिए होती है क्योंकि यहां पे भी हम एक्सपेंशन का यूज करेंगे, log e log 1 प्लस x बेस e का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 log 1 प्लस x की जगह पे ये लिख लें x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन अपॉन x, तो x 0 नहीं है, x x कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बन जाएगा 1, और बाकी जो होंगे वो x के हायर पावर्स होंगे और फाइनली लिमिट हो जाएगी 1। तो इस प्रकार हमने ये जो तीनों लिमिट्स आपके सामने इनको इवेलुएट करना सिखाया, इनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम, जिसको हम स्क्यूज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि दो फंक्शन के बीच में है, इसको आप मान लीजिए ये जी एक्स है और ये एच एक्स है, और ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ए, और ये हमको गिवन है एच एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स इन एन एच डी ऑफ ए। ए के नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में जो फंक्शन एच एक्स है वो एफ एक्स से छोटा है और जो फंक्शन एफ एक्स है वो जी एक्स से छोटा है। मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स है वो एच एक्स और जी एक्स के बीच में सैंडविच्ड है। और क्या गिवन है, लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ए एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ए जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एल, ये गिवन है। एच एक्स की लिमिट ए पे और जी एक्स की लिमिट ए पे
इक्वल है एल के इक्वल है, हैंस लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल. सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम. अगर हमको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है जो एच एक्स और जी एक्स के बीच में लाई करता है इन द नेबरहुड ऑफ ए एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन जी एक्स एट द पॉइंट ए, देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी सेम एज द लिमिट ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स एट ए. दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम. इसका एक अप्लीकेशन मैं करके दिखाता हूं आपको. लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स. तो देखिए ये फंक्शन जो है जीरो पे डिफाइंड तो नहीं है लेकिन जीरो के नेबरहुड में ये हर जगह डिफाइंड है इसलिए इसके लिमिट की हम बात कर पाएंगे. अब हमें ये भी पता है कि एक्स साइन वन अपॉन एक्स जो होता है वो मॉड एक्स से हमेशा छोटा होगा और माइनस मॉड एक्स से हमेशा बड़ा होगा. तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा एच एक्स बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा जी एक्स और ये हमारा हो गया एफ एक्स. अब जीरो पे लिमिट लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो मॉड एक्स कितना होता है जीरो होता है और लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या होता है ये भी जीरो होता है एंड देयरफॉर लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहां पे एक जो कॉमन मिस्टेक होता है वो ये होता है कि हम इसको ऐसे देखते हैं लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो साइन वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स. इस एक्स को हम नीचे लेके जाते हैं और इसको लिख लेते हैं वन अपॉन एक्स साइन वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स और एक्स जीरो पे जा रहा है इसलिए इसकी लिमिट वन हो जाएगी. नहीं, हमने जो इसके पहले जो स्टैंडर्ड लिमिट कंप्यूट किया था साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स जीरो वो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में है. ये एक्स जीरो पे जा रहा है तो ये साइन वन अपॉन एक्स जो होगा वो जीरो पे नहीं जा रहा है, ये माइनस वन और वन के बीच में लाई कर रहा है और ये भी ये जो है इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसलिए वो वाला केस यहाँ पे नहीं बन रहा है. इस तरह के प्रॉब्लम को हम ऐसे कंप्यूट करते हैं यूजिंग सैंडविच थ्योरम. एक क्वेश्चन और कर सकते हैं. इन एन एच डी ऑफ जीरो अगर आपको ये दिया गया है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि इस प्रकार दिया गया है एफ एक्स जो है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू से छोटा है और वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू से बड़ा है तो इस एफ एक्स का लिमिट जीरो पे क्या होगा और जीरो के एन एच डी में नेबरहुड में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है. तो देखिए जब एक्स जीरो पे जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा वन पे जाएगा, इसकी लिमिट वन होगी और इसकी भी लिमिट वन होगी इसलिए इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी वन हो जाएगी यूजिंग द सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम एक काफ़ी पावरफुल टूल है बहुत सारे लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.